शरद नवरात्रों के पावन अवसर पर बिलासपुर का प्रसिद्ध शरदोत्सव बाबा नाहर सिंह बजिया मंदिर धौलरा में धूमधाम से आरंभ हो चुका है। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व दुर्गा पूजा समिति की संस्थापिका डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने किया। इस शुभारंभ के अवसर पर मुख्य यजमान की भूमिका अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा और उनकी धर्म पत्नी प्रतिभा मिश्रा ने निभाई। शंख और घंटियों की गूंज के बीच महिला और पुरुष नंगे पैर गोविंद सागर तक की पद यात्रा की, जिसके बाद वे बोट द्वारा झील के मध्य जाकर माँ दुर्गा के चरणों में पूजा अर्चना के लिए जल कलश लाए। मुख्य यजमान अभिषेक मिश्रा ने गोविंद सागर झील के बीच से पवित्र जल भरकर माँ दुर्गा के समक्ष इस जल कलश की स्थापना की। नवरात्रों के प्रथम दिन गायत्री परिवार बिलासपुर द्वारा पांच कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। दुर्गा पूजा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष धौलरा मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया जाता रहा है। 23वां वर्ष है हमारे दुर्गा पूजा समिति के द्वारा माँ दुर्गा की पूजा के आयोजन के विषय में। मैं यहाँ सभी को सबसे पहले दुर्गा पूजा की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और शुभकामनाओं के साथ ही सभी को सब परिवार आमंत्रित करती हूँ कि वो धौलरा मंदिर के प्रांगण में आए और माता के दर्शन कर और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो। प्रतिदिन जिस प्रकार से बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके कॉम्पिटिशन्स का आयोजन होता है, भंडारा भोग प्रसाद प्रतिदिन नियमित रूप से चला रहता है, उसी के साथ संधि पूजा आरती और भगवान के पूजन का जो कार्यक्रम है वो प्रतिदिन दुर्गा पूजा समिति के द्वारा चलाया जाता है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि वो आए और दुर्गा पूजा के इस उत्सव में सम्मिलित हों।